हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब हरियाणा से आए हुए किसान आज 14-15 रोज़ से जमा हैं, जो केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि हम 56 इंच में से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। किसान ये कह रहे हैं कि हम आधे इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब ये रास्ते जो बंद हैं वो कैसे खुलेंगे नहीं पता, कौन सी राह निकलेगी नहीं पता। किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं और इनके हाथ में जो प्ले कार्ड्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, उस पर लिखा है हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं हैं। ये आखिर आपको लिखने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों बताना पड़ा कि आप आतंकवादी नहीं हैं? हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो नेशनल मीडिया है और सरकार के कुछ नेता हैं वो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसान नहीं, ये मिलिटेंट हैं और ये पेड़ लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। हम उनको जवाब देने के लिए ये लिख कर लाए हैं कि हम पेड़ नहीं। अगर आप लोगों को पेड़ कर पे करते हो जो मीडिया में है, जहाँ और लोग हैं जो बकाऊ लोग हैं, तो ऐसे नहीं कि सब लोग ही बकाऊ हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जो आप खाना खाकर जीवन बसर कर रहे हो वो खाना हम किसानों के खेतों में से आता है, वो फल हमारे किसानों के खेतों में से आता है। आपको आतंकवादी, गद्दार, कुछ भी कहने की आखिर ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्या आपके खिलाफ़ एक माहौल तैयार करने की साजिश की जा रही है? तमाम नेशनल मीडिया ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सही बात भी कर रहे हैं, हम मीडिया की ना बात करें, फिर भी ये क्या माहौल तैयार करने की एक साजिश है? नहीं, उसमें ये है कि जो आपने बोला है कि ये साजिश, इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि जब जब भी पंजाब ने अपनी मांग आगे रखी है तो इसको जे खालिस्तान या अलगबाद या कुछ भी इंटरनेशनल बोलकर इसको दबने की कोशिश की है। लेकिन अब पंजाब अकेला नहीं, हरियाणा अकेला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक किसान का बच्चा उठ कर इस जो कानून है इनका विरोध करने के लिए इस दिल्ली में आंदोलन में आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। ये कंगना रनौत की आपने तस्वीर लगाई है, 50 कुछ लिखा हुआ, इसके अलावा इस पर क्या लिखा हुआ है? इसके अलावा यहाँ पर लिखा है पंजाबी में, अकल की अंधी। ओके, हाँ जी। आप कंगना रनौत को अकल की अंधी मानते हैं क्योंकि वो जिस तरीके से किसानों को लेकर ट्वीट कर रही हैं, वो आप लोगों को अराजक तत्व करार दे रही हैं, उसको लेकर आपके अंदर गुस्सा है और आपको लगता है वो किसके इशारे पर ऐसा कर रही हैं? वो मोदी जी और बीजेपी के इशारे पे ये कर रहे हैं। वो फेमस होना चाहती है बीजेपी के नज़रों, फेमस तो वैसे ही है, वैसे साड़ी नज़र आ जाता है, जितनी भी औकात भी नहीं है उनकी, फेमस होगी अपने घर में होगी, लेकिन हमारी माताओं बहनों को जो गलत बोलेगा हम उसका इसी तरह विरोध करेंगे। हमने ये चप्पल इसलिए लगा रखी है कि हम उनकी औकात याद दिलाना चाहते हैं, उनकी औकात जुत्ती के नीचे की है। हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं वो 100-100 रुपये दिहाड़ी पर नहीं आई है, वो अपने हक लेने यहाँ आई है, लेकिन ये औरत बिकाऊ औरत है, ये पैसे लेकर फिल्म करती है और डांस करती है, अपना जिस्म भी दिखाती है। नहीं, चलिए, वो तो उनकी एक उनका प्रोफेशन है, हम उसमें कभी टांग नहीं अड़ा रहे थे, लेकिन वो हमारी माता बहनों को क्या हक है उनका बोलने का कि वो सब बिकाऊ है, 200-200 रुपए में, 100-100 रुपए में। लेकिन आपने चप्पल तो नहीं खरीद के लगा दी? चप्पल तो मैंने कल खरीदी थी यहाँ दिल्ली से 150 रुपए में, सिर्फ रात रात को पहना है, वॉशरूम गया था तो सुबह वही टांग दी इस पर। इसको कंकना तो ये है ना, कंकना तो पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहती है, इसलिए जो ट्वीट कर रही है। उम्र बढ़ गई है, रोल नहीं मिल रहा। रोल अब रोल का मिलेगा, हम दिलाएंगे अब, रोल क्या मिलेगा उसको? अब तो वो ऐसी है ना कि उसको ऐसे है कि आप रोटी खानी है तो मोदी जी की चमची बन गई और टिकट मिल जाएगी, इसलिए वो सामने ऐसे करतूतें कर रही हैं। बात यहाँ पर अटक चुकी है, मोदी जी अपनी जीत बचा लें वही बहुत है, जो इतना हजूम 150-200 करोड़ बंदा यहाँ इधर घूम रहा है सब मोदी के विरोध में है, मोदी को जी को जिता रही है, वो सिर्फ EVM मशीन है और कुछ नहीं है मोदी। अच्छा, आपने ये पंजाबी में क्या लिख रखा है? और इसमें ज़्यादा किसानों को ये बिल नहीं पसंद, क्यों ये बिल किस बात है? हाँ जी, मोदी सरकार को ये है, बिल किस बात है? ठीक है ना, या किसानों को पसंद नहीं, धक्के से दो पर है ये बिल नहीं। अगर आपको बिल पसंद नहीं और सरकार ये कह रही है बिल आपके फायदे के लिए है, आप कह रहे हैं आपको हमारा फायदा नहीं चाहिए, भाई पुराने नुकसान में रहने। हाँ जी, पुराने भी ठीक है, हम ये बिल नहीं लेने हमने। ठीक, बाबा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या हुआ, क्यों हैं आप यहाँ? यहाँ सिर्फ आए हैं दुनिया के साथ बूटे दल के। यहाँ पर जनरेटर की आवाज़ बहुत तेज़ है, हमारा जिनसे भी बात हुई वो किसी ना किसी विषय को लेकर सरकार से और सरकार की जो चापलूसी कर रहे हैं उन सब को लेकर गुस्सा है उन सब के मन में। वो ये चाहते हैं कृषि कानून वापस हो और लोगों को राहत मिले जो किसान यहाँ पर बैठे हैं। एक और नौजवान हमारे साथ, आप कहाँ से हैं सर? संगरूर, पंजाब से। आप लोग यहाँ जो अब कब आए थे और अब क्या सोचते हैं आगे राह कैसे निकलेगी? सरकार तो पीछे नहीं हट रही।
मैं मुझे हिंदी में बताना होगा या पंजाबी में? हिंदी में। एक्चुअली हम लोग 25 तारीख को शाम को हम लोग पहुंच गए थे जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है उस पर, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ के हम मूव हो जाते हैं, जनरेटर चल रहा है। नेक्स्ट डे 26 को हम लोग हरियाणा का जो वो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ के हम लोग एंटर हुए हरियाणा के अंदर हमें, और वेरी नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। पहला आपका सवाल था, और सेकंड आपका सवाल है गवर्नमेंट मान नहीं रही। ये इस चीज़ में फ़र्क है कि गवर्नमेंट मान नहीं रही, गवर्नमेंट मान रही है, बहुत हद तक मान रही है। जब ये एजिटेशन पंजाब के अंदर, गवर्नमेंट मान रही है, झुक रही है, झुक रही है, झुक रही है, और इतना ज़्यादा झुक रही है किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब ये एजिटेशन पंजाब में था, जब शुरुआत थी, तब हम लोग तब से ही इन्वॉल्व हैं। तब हमें कहा जाता था कि ये कुछ लोग हैं, चंद लोग जो कांग्रेस के हैं, बिचौलिए हैं ऐसे। और जब पूरा पंजाब, हरियाणा और दूसरे सभी स्टेट मिलके यहाँ पे आके बैठ गए दिल्ली के बॉर्डर्स पे, तब हमें क्या कहा जा रहा है कि हाँ किसान भाई हैं। गवर्नमेंट का आप रवैया देखिए कितना बदल चुका है। ये तो हम मतलब हमारी जथेबंदी और लोग अड़े हुए हैं, हमने पूरे के पूरे बिल वापस करवाने हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? जिमें किसान बंदियाँ कहणगियाँ, जो डटन कहणगियाँ तो असं डटे हुए हैं, जिमें कहणगियाँ हुए संघर्ष जिन्ना अगे चलेगा असं उन्ना टाइम असं इतने मैदान च खड़न तैयार। नहीं होगा तो का तो सवाल पैदा ही नहीं ना होता। आप बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ क्यों नहीं होगा? अगर मैं आपसे सवाल करूँ, चलो आप एंकर हैं भले ही, क्यों नहीं होगा? आपके माइंड में ये क्यों आ सकता है? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर सब्र, जोश और होश होना चाहिए। गवर्नमेंट झुकेगी, और हमें पता है कि गवर्नमेंट झुकेगी, झुक रही है, और झुकाना है अच्छी तरह से। चले, लोगों को लग रहा है कि मजबूर का बेटा आया फाजिलका, तो ठीक है, कहाँ से आए हैं? फाजिलका पंजाब से, हमारे उसका बेटा है, लिखा है ना मजदूर का पुत्र आपके, ये अच्छा, ये पंजाबी में लिखा है मजदूर का पुत्र, यानी मजदूर के बेटे हैं, फाजिलका पंजाब से आए हैं। आपके पिता खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं खेतों में। आप यहाँ साइकिल चला के पैदल आए हैं? मैं लगभग 300 किलोमीटर साइकिल पर आया हूँ। 300 किलोमीटर, हाँ, उससे आगे वो मेरे साथ वाले ट्राली थी, उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, लिफ्ट दे दी, मीटर तक मैं उसके साथ आया हूँ। वहाँ से आप पैदल आए? फिर मैं साइकिल पर आया, टिकरी बॉर्डर से। लगभग कितनी साइकिल पैदल चलाई? लगभग 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। और यहाँ क्यों आए? अपने हक लेने आए हैं। आपके पिता तो मजदूरी करते हैं खेत में, आपको लगता है आपके पिता की मजदूरी का हक भी मारा जाएगा? बिल्कुल मारा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगी, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, सरकार को कुछ पता ही नहीं है। सरकार के हमारे कोई उनमें लीडर नहीं शामिल था, कोई खेती बाड़ी का कोई हमारा किसान नहीं शामिल था। जब उन्होंने बिल जो पास किए, किसी से उसने नहीं पूछा, अपने आप कर दिए अंबानी डानी के पीछे लग के। आप इतनी दूर साइकिल पर बस सपोर्ट करने आए हैं? सपोर्ट करने आए जी। और ये यहाँ कब तक रहना है? जब तक ये हल नहीं हो जाता मसला, हम इधर ही हैं। कानून वापस नहीं होता तब तक यहीं हैं, इधर ही हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का जोश है, सरकार को सोचना चाहिए किन लोगों से टकरा रही है, किन लोगों से लड़ रही है। ये फाजिलका पंजाब से आए हैं, साइकिल से आए हैं, बीच में थोड़ी सी लिफ्ट मिल गई, इनके पिता खेतों में मजदूरी करते हैं, और इन्हें लगता है कि नए कृषि कानूनों से इनका हक भी मारा जाएगा, लिहाजा ये यहाँ पर अपना प्रतिरोध, अपना जो विरोध है इस कानून के ख़िलाफ़, वो दर्ज करवाने आए, सरकार से मांग करने आए हैं कि कृषि कानून वापस किए जाएँ।